सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब राशन फोटोग्राफी। सो गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को रेड एंड ब्लू कलर टोन लाइटरूम प्रीसेट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसका गाइस आप लोग यूज करके वन क्लिक के अंदर अपने फोटो में कुछ इस तरह कलर टोन ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को इस तरह से एडिट करना सीखना, तो आप लोग इस वाले छोटे से वीडियो को आज बिना स्किप के लास्ट तक जोर से वॉच कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने फोन के अंदर लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने फोन के अंदर लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे ही अपने फोन के अंदर लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर ऐड फोटो नाम से एक आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, जो कि देख सकते हो आप लोग कैमरे के बगल में होगा। तो इस वाला आइकॉन पर आप लोग एक बार क्लिक करके आप लोग को जिस फोटो गाइस ऐड करना है उस वाला फोटो को यहाँ से ऐड करना है, और एक लाइटरूम प्रीसेट को भी यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले प्रीसेट को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। और ये वाला प्रीसेट कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले प्रीसेट पर एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में आपको एक थ्री डॉट नाम का एक ऑप्शन मिलता है। इस वाले थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके सभी में आप लोग यहाँ पर इस तरह टिक कर लीजिएगा। और सिंपली यहाँ से आप लोग इसको राइट क्लिक करके अपने फोटो पर आप लोग एक बार क्लिक करके फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पेस्ट सेटिंग कर दीजिएगा। तो आप लोग जैसे यहाँ पे सेटिंग कीजिएगा तो आपका फोटो गाइस यहाँ पर वन क्लिक के अंदर एडिट हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर। और अगर प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद अगर आपका फेस यहाँ पर खराब हो या आपका बैकग्राउंड खराब है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन है। बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ और फोटो पर ये वाला प्रीसेट को यहाँ पर अप्लाई करके आप लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप लोग को लगता होगा फेक है तो चलिए दूसरे फोटो पर अप्लाई करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ से। तो गाइस, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फोटो पर आप लोग का प्रीसेट को अप्लाई करके दिखाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके सब यहाँ पर टिक कर लेंगे इस तरह से। और सिंपली यहाँ से इसको राइट क्लिक करके अपने फोटो पर एक बार क्लिक करके फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो कितना बेहतरीन तरीके से हमारा फोटो गाइस यहाँ पर वन क्लिक के अंदर एडिट हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर। चलिए कुछ और फोटो पर आप लोग मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ ये वाला प्रीसेट को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाला फोटो पर आप लोग प्रीसेट को अप्लाई करके दिखाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सिंपली से हम लोग पेस्ट सेटिंग कर देंगे। आप लोग देखिए तो कितना बेहतरीन हमारा फोटो यहाँ पर एडिट हो रहा है। और गाइस, अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि अगर प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद अगर आपका फेस यहाँ पर खराब हो जाए, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ पर शेयर के नाम से आप लोग को टूल मिलेगा, इस वाला शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लीजिएगा। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को हम लोग अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ मतलब खराब हो चुका है, जो कि देख सकते हो हमारा लाइन वगैरह सब आ चुका है यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। आप लोगों का भी फोटो में इस तरह से आ जाएगा प्रीसेट को अप्लाई करने का। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर एक पेंसिल नाम का एक ऑप्शन मिलता है, इस वाले पेंसिल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से हीलिंग वाले ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके अपने फोटो को कुछ इस तरह जूम करके अपने बॉडी पर आप लोग इस वाले ब्रश को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। और अब यहाँ से आप लोग इसको सिंपली से राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब फिर से पेंसिल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, लेंस ब्लर के आइकॉन पर आप लोग एक बार क्लिक करके इसके सर्कल को कुछ इस तरह छोटा करके आप लोग नीचे की ओर यहाँ पर इस तरह से कर लीजिएगा। और इसके विग्नेट को आप लोग यहाँ पर फुल डिक्रीज कर दीजिएगा, और इसके ब्लर स्ट्रेंथ को आप लोग हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ इतना परसेंट पर। और सिंपली यहाँ से इसको आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। और अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर शेयर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग अपने गैलरी के अंदर सेव कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, अंडर टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप लोग दो बार इस तरह से बैक कर लीजिएगा। और अब आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से पेंसिल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ओपन इमेज के आइकॉन पर क्लिक करके अभी जो हम लोग बैकग्राउंड को सेव किए थे उस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर सिंपली से हम लोग ऐड कर लेंगे। और ऑपेसिटी वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसके ऑपेसिटी को यहाँ पर हम लोग फुल इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और सिंपली यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं, और ऊपर साइड में आपको एक मतलब एरो टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एडिट स्ट्रेच नाम से होगा। तो इस वाले एडिट स्ट्रेच के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से व्यू रिड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर वाले ब्रश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कुछ इस टाइप से अपने फोटो को यहाँ पर जूम करके कुछ इस तरह से अपने बैकग्राउंड के पीछे आप लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके काफी बेहतरीन तरीके से अपने बैकग्राउंड को सही कर लिया। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली से यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं हम लोग। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को थोड़ा सा लाइटिंग देने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्टेड टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे इस तरह से।
और अपने फोटो कुछ स्टेप से जूम करके अपने फेस पर हम लोग इस तरह से एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसके सैचुरेशन को हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसके ब्राइटनेस को हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से इसको सिंपली से हम लोग डन कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है। तो फोटो को सेव करने के लिए अभी आप लोग कर लीजिएगा शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका फोटो यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।